पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक अनुपात A1, B1, ABC और ये चीज़ हमें दे रखी है। तो देखो, अगर हमें दिक अनुपात पता हो, जैसे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखो ये A1 है, ये B1 है और ये C1 की जगह पर है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 की जगह पर है। तो कॉस थीटा बराबर जो सूत्र होता है, अगर इन रेखाओं के दिक अनुपात के बीच का जो कोण बन रहा है, इन रेखाओं के बीच का जो कोण बन रहा है वो थीटा है, तो सूत्र जो होता है वो होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 बट्टे में अंडर रूट में आ जाते हैं A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर गुणे में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, अतः हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, ये देखो ये A1 B1 C1 है और ये A2 B2 C2 है, सूत्र में रख दो A1 B1 A2 B2 एंड C1 C2। ठीक, अब नीचे देखो ये A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, फिर आ जाएगा A2 स्क्वायर, अरे यार B माइनस C होगा ना, चलो इसको लिख देते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको लिख दो, ठीक है फिर इसको लिख दो, एक मतलब जोड़ने में आगे पीछे करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऊपर को हल करो, देखो नीचे खोलना मत, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, नीचे जैसा है वैसे ही रहने दो, अभी आपको पता लग जाएगा कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अब आप ऊपर बढ़ा करो, AB माइनस का AC, BC माइनस के AB प्लस AC माइनस के BC, अभी आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि नीचे अगर खोलने लग गए तो वो लंबा, इसको खोलना है, इसको खोलना है, इसको खोलना है, बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो प्लस का AB माइनस के AB कटा, माइनस के AC प्लस के AC कटा, बीस प्लस का BC माइनस के BC कटा, ऊपर आ गया ज़ीरो, ज़ीरो के बट्टे कुछ भी हो वो होता है ज़ीरो। कॉस थीटा, इसका मान भी कॉस में सोचो, कॉस पाई बाई टू का मान ज़ीरो होता है, तो तुलना करेंगे कॉस से कॉस हटेगा, थीटा का मान क्या जाएगा पाई बट्टे दो, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा पाई बट्टे दो बनेगा। इतना आसान प्रश्न था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है देखो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स एक्सेस होते हैं, ठीक है ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये आपस में लंबवत हैं। कह रहे हैं एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स अक्ष है ना, इसके समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाले, अब थ्री डायमेंशन है, अब समझ लो कि एक्स अक्ष के समांतर भी है और इस मूल बिंदु से भी जाती है। ठीक, रेखा का समीकरण क्या होगा, ठीक है तो इसका आंसर एक वर्ड में हो जाएगा कि एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है एक्स अक्ष के लिए, क्या सिंपल सी बात है, एक्स अक्ष बोला यानी कि वाई और जेड क्या है ही नहीं, जीरो है, तो एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर जीरो होता है और जेड बराबर जीरो होता है, सिंपल एक वर्ड में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, नई NCERT बुक के आधार पर ये प्रश्नावली हम कर रहे हैं, बाकी पुरानी NCERT अगर आप देख रहे हो तो वो तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में पुरानी NCERT चल रही है तो वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, जिस आप सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, अपनी लिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर अपनी लिस्ट आप चेक कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे यदि रेखा इतना और इतना परस्पर लंब हो तो K का मान क्या होगा। देखो रेखा, रेखा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, चूंकि रेखा का समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन बट्टा ए, वाई माइनस वाई वन बट्टा बी, जेड माइनस जेड वन बट्टा सी, तो ये जो एक्स वाई जेड ये पॉजिटिव के होने चाहिए जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये मेरा हो जाएगा A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। ठीक है, तो हमें दिया क्या है,
दिक अनुपात। ठीक है, लिखोगे ना दिया है रेखा, ये पहली रेखा है या दूसरी रेखा है, तो दिक अनुपात क्या हो जाएगा, पहली रेखा की जो दिक अनुपात है ए वन वो है माइनस के 3, बी वन वो है 2 के, सी वन ठीक है सी वन कितना है 2, सी वन हमारा 2 है। फिर आ जाओ दूसरी रेखा के, ए टू हमारा है 3 के, बी टू हमारा है 1 और सी टू हमारा है माइनस के 5। ठीक है, प्रश्नानुसार रेखाएं परस्पर लंब है। ठीक है, इसलिए कंडीशन क्या होती है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ए वन का मान कितना है, माइनस के 3, ए टू का मान है 3 के, बी वन का मान 2 के और बी टू का मान 1, सी वन का मान 2 और ये है माइनस के 5। तो 3 तिया माइनस के 9 के, 2 एक कम 2 और 5 दूनी 10। ठीक है, 9 में से 2 घटाएंगे माइनस के 7 के, और माइनस के 10 इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 7 इधर आके बट्टे में आ जाएगा। तो के का मान कितना होगा, माइनस के 10 बट्टे 7। आसान क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इस प्रश्नावली पे 5 ही प्रश्न हैं जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इम्पॉर्टेंट, इस साल मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। कह रहे हैं ये आर है, 2 समीकरण हैं, किस रूप में है, ये है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, 2 टाइप के सदिश रूप होता है और एक अदिश रूप होता है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म होता है, एक सदिश रूप होता है। तो ये सदिश रूप में, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, इनके बीच की हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है और हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है। सो देखो दोस्त, जो पहली रेखा दे रखी है, ये देखो इसको ढंग से लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ए वन होता है, ये बी वन, ये ए टू, ये बी टू होता है। ठीक है, देखो जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है, न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है वो मॉडुलस में लेते हैं, ए टू माइनस ए वन। ये सदिश का चिन्ह लगाना मैं भूल जाता हूँ, आप लगा लेना, बी वन क्रॉस बी टू बट्टे में आ जाता है आपका बी वन क्रॉस बी टू का मापांक। ठीक है, सो देखो ये ए वन है, ये ए टू है, ये बी वन, ये बी टू, ये प्रश्न में दिया हुआ होता है। ठीक है, सो हमें पहले क्या करना है, ए टू माइनस ए वन निकालनी है, निकाल लो ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है हमारे पास, माइनस के 4 आई माइनस के, ए वन क्या है हमारे पास, 6 आई प्लस के 2 जे प्लस के 2 के। ठीक है, तो माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 10 आई। ठीक है जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, ए टू माइनस, तो देखो तो ये हो जाएगा माइनस के 10 आई और माइनस के 2 जे, क्योंकि इसमें 0 है, जे है ही नहीं, और माइनस के 2 माइनस के 3 के। ठीक है, ये चीज़ आ गई। आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो, सब में से माइनस उपनिष्ठ ले लोगे तो 10 आई प्लस के 2 जे प्लस के 3 के। ठीक है, ये कैप वगैरह आप लगा सकते हो, इस पर बहुत टाइम लगता है तो मैं लगाता नहीं हूँ, आप लगा सकते, लगा लेना। ठीक है, ये चीज़ आ गई, ये तो आ गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, बी वन, बी वन क्रॉस बी टू निकालना है। अब इसको भी निकालते हैं, देखो क्या, पहले निकालते हैं बी वन क्रॉस बी टू। ठीक, तो यहाँ हमें लिखना होता है आई जे के बी वन और बी टू के सदिश गुणन। तो बी वन के गुणज क्या है, यहाँ देखो, एक माइनस दो दो, एक माइनस दो दो, और इसका है तीन माइनस दो माइनस दो, तीन माइनस दो माइनस दो। आई लिखते हैं, इसकी गुणा इसके साथ, दो दुनी 4
माइनस, इसके गुणा इसका माइनस माइनस प्लस, प्लस के बाद आता है माइनस, जे छुपाओ, इसके गुणा इसके साथ एक दूनी माइनस के दो, फिर दो तीन छः, माइनस के बाद फिर प्लस, के को छुपाओ, एक दूनी माइनस दो, ठीक छुपा दिया, दो तीन छः, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ जाएगा आठ आई और प्लस के आठ जे और प्लस के चार के, ठीक है। अब इसका हमें परिमाण भी चाहिए होता है, तो बी वन क्रॉस बी टू का परिमाण, आई का गुणज आठ वर्ग, जे का गुणज आठ इसका वर्ग, के का गुणज चार इसका वर्ग करके जोड़ दो, तो यहाँ से आ जाएगा अट्ठे अट्ठे चौंसठ, अट्ठे अट्ठे चौंसठ चौचक को सोलह, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 144 और बाहर आके आ जाएगा 12, ठीक है, बाहर आके आ जाएगा 12। अब देखिए हमें इसका डॉट प्रोडक्ट भी निकालना होता है, डॉट प्रोडक्ट निकालो, चूँकि ए टू माइनस ए वन ये समीकरण मान लो, इसको एक यहाँ रखना होगा रमन, और बी वन क्रॉस बी टू ये माइनस में आया था, ए टू माइनस ए वन कितना था, दस आई प्लस का टू जे प्लस का थ्री के, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, बी वन क्रॉस बी टू कितना आया था, आठ आई आठ जे प्लस चार के, माइनस है बाहर से तो उसको बाहर ही रखो ब्रैकेट के अंदर, आई का गुणा आई के साथ होता, दस अट्ठे अस्सी, आठ दुनी सोलह, तीन चौके बारह, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से कितना, अट्ठाईस, तो ये आ जाएगा माइनस के 108, ठीक है, समीकरण नंबर दो तीन, इसकी और इसके मान को उठाकर समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है, लिखेंगे अतः समीकरण एक से, मतलब समीकरण एक में मान रखने पर, तो जो न्यूनतम दूरी है ये माइनस के 108 और बट्टे में था 12, ठीक है, 12 नंबर 108, हालांकि माइनस में लेकिन मॉडुलस लगा होता है क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, माइनस का आएगा भी तो लिखोगे प्लस का, तो जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पर आ जाओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, कह रहे बिंदु इतने से जाने वाली और दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। लंब रेखा का क्या निकालना है, सदिश समीकरण निकालना है, किससे जाने वाली, इससे जाने वाली। तो देखो हल में आ जाओ, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और चौथा तो आएगा ही आएगा, पाँचवा भी साल एग्जाम में आ सकता है। सदिश समीकरण जो हमें निकालना है आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस लैम्डा भी सूत्र होता है, किस बिंदु से जाती है, वन टू, देखो ए प्लस लैम्डा भी सूत्र होता है, तो जिस बिंदु से जा रहा है वो हमारा ए वेक्टर होता है, तो ये हो जाएगा आई प्लस टू जे माइनस के फोर के, इस बिंदु से जा रहा है लैम्डा। बी वेक्टर हमें पता नहीं है, बी वेक्टर मान लेते हैं बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, ठीक है, जैसे ही हमें B1, B2, B3 मिलेंगे हम यहाँ रख देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखो हमसे क्या बोला है, प्रश्न को ध्यान से देखना, बिंदु इतने से जाने वाली दोनों रेखाएं, ये जो रेखा है और ये रेखा आपस में लंबवत है, देखो सपोज करो ये जो रेखा है और ये दूसरी रेखा है और ये रेखा यहाँ से गई है ये वाली, तो ये आपस में क्या है, लंबवत है। पहली वाली रेखा यह है जिसका समीकरण दे रखा है एक्स माइनस आठ बट्टे तीन बराबर वाई प्लस 19 माइनस के 16 जेड माइनस के 10 बट्टे सात, और दूसरा समीकरण है एक्स माइनस के 15 बट्टे तीन वाई माइनस 29 बट्टे आठ और जेड माइनस 5 बट्टे माइनस के 5, ठीक है। उस पर ये जो समीकरण है
ऐसे जा रही है कि आपस में क्या है, लंबवत है। ये जो हमारे पास है आर बराबर वेक्टर, ये है क्या आया था आई प्लस टू जे माइनस के फोर के, और ये है बी वन आई बी टू जे बी थ्री के। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो रेखा और ये जो रेखा आपस में लंबवत है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि चूंकि समीकरण एक रेखा x माइनस आठ बट्टे तीन वाई प्लस उन्नीस बट्टे माइनस के सोलह जेड माइनस टेन पर लंब है, और लंब की कंडीशन क्या होती है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इस रेखा का जो दिक अनुपात है वो है बी वन बी टू बी थ्री, और इसका क्या है तीन माइनस के सोलह सात। ठीक है, आप कंडीशन तो जानते ही हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर ज़ीरो, तो यहाँ पर रखो तो ये हो जाएगा थ्री बी वन थ्री बी वन, और फिर आ जाएगा माइनस के सोलह बी टू माइनस के सोलह बी टू एंड सात बी थ्री ज़ीरो। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर दो बोल देता हूँ। पुनः समीकरण एक किस पर लंब है, दूसरे वाले पर x माइनस पंद्रह बट्टे में तीन बराबर y माइनस उनतीस बट्टे में आठ z माइनस पाँच बट्टे में माइनस पाँच पर लंब है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा थ्री बी वन प्लस आठ बी टू माइनस के पाँच बी थ्री बराबर ज़ीरो। अब इस समीकरण को और इस समीकरण को हमें हल करना है, और हल करके ठीक है हमें क्या निकालना है, मान निकालने हैं बी वन बी टू बी थ्री के। सो देखो तरीका क्या होता है, वज्रगुण विधि लगानी है समीकरण दो तथा तीन से। क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे बी वन, इधर लिखोगे बी टू और बी थ्री। ये चीज़ आपको पहले से ही आती है, कक्षा दस में ही पढ़ा है आपने, बट आप शायद भूल गए होगे। देखो कोई बात नहीं, क्या करना है बी वन के लिए इस बी वन को छुपा दो, गुणा करो छः और पाँच माइनस पाँच की गुणा होगी। ठीक है, आठ छः पंजे, देखो थोड़ा सा भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को ना आप दोबारा देखें, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं गड़बड़ कर देते हैं। ठीक, सो देखो यहाँ से गुणा करोगे तो देखो बी वन के लिए तो बी वन को छुपा दो, बी टू के लिए बी टू छुपा दो, बी थ्री के लिए बी थ्री छुपा दो। सो देखो इसको छुपाएंगे, छः पंजे ये अच्छा सोलह है, छः देख रहा हूँ, सोलह पंजे अस्सी माइनस माइनस प्लस अस्सी हो जाएगा, फिर माइनस सात अड्डे छप्पन, फिर बी है बी टू है तो बी टू को छुपा दो। अब बी टू को छुपाते ही देखो ये जो बी टू है इसको छुपा देंगे। ठीक है, तो इस वाले की गुणा इसके साथ होगी पहले। ठीक है, जैसे कक्षा दस में आपने सीखा था सात तीन इक्कीस माइनस, ठीक है, और तीन की गुणा इसके साथ, तीन के बचे पंद्रह, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, बी थ्री के लिए बी थ्री छुपा दो, और इसकी गुणा इसके साथ होगी आठ तीन चौबीस और छः तीन अट्ठारह सॉरी सोलह तीन अड़तालीस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो वज्रगुण विधि में जैसे करते थे वैसे बना लेना। अब देखो अस्सी में से सब छप्पन को हटाएंगे चौबीस, पी टू इक्कीस में पैंतीस जोड़ेंगे छत्तीस, और ये हो गया बहत्तर, तो काटो किससे कट जाएगा, बारह से कट जाएगा, बारह दूनी चौबीस, बारह तीन छत्तीस, बारह छंग बहत्तर,
दो तीन छः, B1, B2, B3। तो B1, B2, B3 के जो साइमल्टेनियस मान है वो हमें मिल चुके हैं। B1 का मान 2 है, B2 का मान 3 है, B3 का मान 6 है, वो हम यहाँ रख देंगे समीकरण एक में। ठीक है, B1, B2, B3 का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, रखेंगे तो क्या है, R बराबर ये था I प्लस के 2J माइनस के 4K प्लस लैम्डा। B1 का मान है 2I, B2 का मान है 3J, B3 का मान है 6K। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें।